तो जब मैं बचपन में 2 साल का था तो सुबह सुबह उठते ही मैं अपने दादाजी के मुंह पे मूंद दिया करता था। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करता था, मे भी मुझे लगता था कि यही सही जगह ऐसी चीजें करने का। बट जो भी हो, ये मेरा मॉर्निंग हैबिट बन चुका था। फिर आता एक दिन मेरे दादा को बहुत ज्यादा गुस्सा, और फिर उसने अपने 2 साल के मासूम पोते को इतना मारा कि अब उसने 2 हफ्ते तक हगना और मुतना दोनों बंद कर दिया था। हाँ, ये मेरे और मेरे दादा की कहानी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे की स्टोरी को देखेंगे जो कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जहाँ हमारा इस स्टोरी का राइटर खुशवंत सिंह और उसके दादी के बीच कैसा रिलेशनशिप था वो पता चलेगा। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिले और तुम लोगों को ये स्टोरी समझ आए। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है उस पॉइंट से जहाँ खुशवंत सिंह यानी इस स्टोरी का राइटर या ऑथर कह लो बता रहा होता है कि उनकी दादी कैसी दिखती थी। हम सब की दादियों की तरह उनकी दादी भी बूढ़ी थी और चेहरों पे झुर्रियां यानी कि रिंकल्स थे। बट यार लोगों का कहना था ना कि उनकी दादी एक समय में ना जवान भी थी, सुंदर भी थी, इनफैक्ट उनका एक पति भी था। बट ये चीज ना खुशवंत सिंह को हजम नहीं हो रहा था, शायद क्योंकि वो एक मोटे बुद्धि वाला इंसान था। मतलब 20 सालों से उनकी दादी जैसी थी वैसी ही थी, तो वो कैसे मान ले ये बात कि वो एक समय में जवान भी हुआ करती थी, उनका कोई पति भी हुआ करता था। अब खुशवंत सिंह के ड्रॉइंग रूम पे एक मेंटल पीस था, जहाँ मैं अभी देख रहे हो आग जला रहा हूँ, आग सेक रहा हूँ यार, समझ रहे हो तुम। अब इसके ऊपर में उनके दादाजी का एक तस्वीर था। एक मिनट, कहीं तुम्हें ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि मैं उनके घर पे क्या कर रहा हूँ? मैं ना यार बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ सही में। मतलब हमारा ये खानदानी पेशा है, ठीक है, हम किसी के घर में भी बिन बुलाए चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बेशर्म हूँ, मेरा खानदान ही ऐसा है। मतलब हम कहीं भी चले जाते हैं मुंह उठा के, कोई बुलाए नहीं बुलाए, बस हमें जाना होता है तो चले जाते हैं। तो आ गया यार मैं भी यहाँ, मेरे तरफ ध्यान मत दो, ध्यान दो इनके दादाजी की ओर कैसे दिखते थे। अब ये बताया गया स्टोरी पे तो उनके दादाजी के सर पे एक बड़ा सा पगड़ी है, ढीले डाले कपड़े पहने हुए हैं और इतने बड़े बड़े दाढ़ियां है कि भाई चेस्ट ढक के रखा हुआ है उन्होंने। हाँ, लगता है जिम नहीं जाते तो छुपा रहे चेस्ट को अपने दाढ़ियों से, और देख के ऐसा लगता है उन्हें कि वो लगभग 100 सालों से भी ज्यादा उम्र का है। अब इन्हें देख के भी ना हमारे राइटर का कहना ये था कि मैं नहीं मानता कि मेरे दादाजी का कोई पत्नी भी होता होगा, कोई बच्चा भी होता होगा। इन्हें देख के तो बस ये फील होता है कि इनका बस ढेर सारे पोते पोतियां होते होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में सोच रही थी कि मेरी दादी कभी जवान और सुंदर तो हो ही नहीं सकती यार। देखो एग्जैक्टली उनकी दादी दिखने में कैसी थी, छोटी थी, मोटी थी और थोड़ा झुक के चलती थी। उनके चेहरों पे चारों ओर रिंकल्स यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ है और 20 सालों से वो ऐसी दिखती है। तो ये बात मानने के लिए राइटर बिल्कुल तैयार नहीं कि उनकी दादी एक समय में यंग एंड प्रिटी भी दिखती थी। हाँ, बट उनकी दादी ब्यूटीफुल जरूर थी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, राइटर ने उनकी दादी को ब्यूटीफुल क्यों माना है, रीजन है इसका। देखो उनकी दादी को देख के ऐसा महसूस होता था राइटर को कि मेरी दादी ना बिल्कुल वो पहाड़ की तरह है जो बर्फ की चादरों से ढका हुआ है, जिसे देख के सुकून मिलता है यार, पीस एंड कंटेनमेंट कुछ भी कह लो तुम। अब तुम ये सोच रहे हो कि उनकी दादी को उन्होंने एक पहाड़ जो कि बर्फ से ढका हुआ है उससे क्यों कंपेयर किया, क्योंकि देखो उनका बाल जो था वो भी सफेद था, वो सफेद कपड़े पहनती थी और हाथ पे माला जपती थी। तो इन तीनों चीजों की वजह से उन्हें देख के संतुष्टि शांति मिलता था, जैसे एक सफेद बर्फ से ढका हुआ माउंटेन को देख के मिलता है। आई होप कि तुमने कभी देखा होगा अगर तुम कश्मीर या हिमाचल या अरुणाचल आए हो तो। चलो यार, हमने खुशवंत सिंह के दादी दादा के बारे में बहुत जान लिया, अब हम जानते हैं कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच बचपन में कैसा रिश्ता था। देखो उनकी दादी के साथ बचपन में उनका रिश्ता बहुत ही गहरा था, अच्छा दोस्ती था, क्योंकि देखो उनकी मम्मी पापा यानी कि उनका पेरेंट्स उन्हें छोड़ के शहर चले गए थे काम करने के लिए। तो दादी और वो बचपन में काफी साथ एक साथ समय बिताते थे, और ये तो ऑब्वियस बात है ना, जब तुम किसी के साथ अच्छा समय बिताते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो गहरी हो जाती है यार दोस्ती, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं तुम ये बात। तब यहाँ भी होता है, चाहे दादी हो या कोई भी हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो बचपन कैसे बीतता है वो देखते हैं एग्जैक्टली। तो सुबह सुबह को दादी उठती है और अपने पोते को भी उठाती है और तैयार कराती है कि स्कूल लेके जाना है अपने पोते को, और हम सबकी दादियों की तरह ही उनकी दादी भी कुछ गुनगुनाते रहती थी, मे बी ये भगवान का कोई गाना होगा, इस उम्मीद से कि ये गाना मेरा पोता भी सीख जाए और वो भी गाने लगे। बट उनका पोता भी बिल्कुल मेरी तरह था, सुनता तो था बट ना ही सीखने का भी कोशिश करता था, ना ही समझने की कोशिश करता था, बस सुनता इसलिए था क्योंकि उनका आवाज बहुत मीठा लगता था यार। यार दादी का गुनगुनाने वाला हमेशा ही अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी गुनगुना रही हो, क्योंकि दादी हमेशा हमारा साइड लेती है कि नहीं, मम्मी पापा जितने भी गुस्सा करें दादी हमें बचा लेती है, तो वो हमें हमेशा से अच्छी लगती है। तो इसी के साथ साथ सुबह होते करते फिर वो ब्रेकफास्ट, जहाँ जो कल रात का बासी रोटी होता है उस पे थोड़ा चीनी थोड़ा बटर लगा के खाते हैं, स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रोटी बासी वाले जिनमें बटर और चीनी लगाया हुआ साथ लेके चलते हैं ताकि रास्ते पे आने वाले कुत्ते को भी खिला पाए। एक सवाल तुम लोग के लिए यार, कभी क्या तुमने टिफिन पे
ऐसी बासी रोटी या फिर मान लो नॉर्मल रोटी जिसपे बटर और चीनी लगा हुआ रोटी लेके गया हो क्या? मैं तो लेके जाता था बटर नहीं लगा के बट रोटी में चीनी लगा के, हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करता था। शेयर क्या करता था यार, वो तो छीन के खा लेते थे रावण के बच्चे। खैर रहने दो, स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था, देखो दादी और राइटर हमेशा स्कूल एक साथ जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों एक ही साथ था, तो दादी जाती थी मंदिर और पोता जाता था स्कूल। देखो सीन कैसा था, टेंपल था, टेंपल का बाहर वाला जो एरिया है जिसे बरांडा कहते हैं, वहां पे बैठ के एक प्रिस्ट उन्हें पढ़ाता था। मॉर्निंग प्रेयर हो गया, फिर अल्फाबेट, जो भी चीजें होता है वो पढ़ाया जाता था, और टेंपल के अंदर ही दादी प्रेयर करती थी स्क्रिप्चर्स का। तो सीन ऐसा चलता है, जब तक स्कूल टाइमिंग होता है दादी पढ़ती है, बाहर बच्चे पढ़ते हैं, एंड जैसे स्कूल खत्म होता है यानी कि क्लासेस खत्म होता है, दादी पोता वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। और रस्तों पे क्या होता है, कुत्तों को खिलाते वही बासी रोटी, खिलाते 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 वो वापस घर चले जाते हैं। ऐसा ही बीतता है बचपन। बट अब आता है एक टर्निंग पॉइंट। खुशवंत सिंह का मम्मी पापा जो कि अब शहर में सेटल हो चुके थे, अब वो अपने बच्चे को और अपने माँ को बुला लेते हैं शहर पे, और यहाँ सब कहानी बिगड़ने वाला है। देखते जाओ, ये जो प्यार वाला रिश्ता है, प्यार वाला गहरा दोस्ती है, वो अब एक क्या कहते हैं, बदलने वाला है यार, मैं इतना ही कहूंगा तुम्हें। अब जैसे गांव पे रहते समय खुशवंत सिंह और उसकी दादी एक साथ रहते थे, तो शहर में आने के बाद भी ये चीज नहीं बदला था। दादी और पोते को एक ही कमरा मिला था जहां वो एक साथ रहते थे। बदला क्या चीज था बताया, अब खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ स्कूल नहीं जाया करता था, क्योंकि अब खुशवंत सिंह पढ़ता था एक अंग्रेजी स्कूल पे जहां वो मोटर बस से स्कूल जाया करता था और वापस आया करता था। अब पोता चला जाता था स्कूल और दादी के पास कुछ करने के लिए होता नहीं था, तो वो चिड़ियों को दाना देने लगती थी, खिलाने लगती थी, क्योंकि वहां कुत्ते भी नहीं थे सड़कों पे, तो अब चिड़िया ही थे जिनके साथ वो अपना समय बिताती थी। और जब उनका पोता फाइनली घर आता था तो दादी पूछती थी उससे, स्कूल में टीचर्स ने तुम्हें क्या पढ़ाया? तो हमारा छोटू खुशवंत सिंह अपने दादी को बताने लगता था कि मैंने स्कूल पे छोटे मोटे अंग्रेजी के शब्द सीखे और छोटे मोटे वेस्टर्न साइंस के प्रिंसिपल्स को सीखा, लाइक ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और मैंने ये भी जाना कि दुनिया गोल होता है, एंड ब्ला ब्ला। अब ये सारे बातें पोते के मुंह से सुनने के बाद दादी का मन बैठ गया था। वो बिल्कुल खुश नहीं थी इस बात से कि स्कूल में ऐसी चीजें पढ़ाया जा रहा है जिनमें दादी खुशवंत सिंह का कोई मदद नहीं कर सकता, और साथ ही साथ वहाँ रिलीजन स्क्रिप्चर्स के बारे में तो पढ़ाया नहीं जा रहा। और एक दिन तो भाई साहब हद तक पार हुआ जब पोता आके कहता है कि आज से हमारे स्कूल पे म्यूजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है। इस बात से फिर दादी बहुत ही अपसेट थी, बहुत ही दुखी थी। दादी का मानना ये था कि ये गाना बजाना तो भाई साहब भुरमंजी लोगों का काम होता है, अच्छे लोग नहीं करते यार, जेंटलमैन नहीं करते सब काम, समझ रहे हो बात। बट दादी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, चुप थी वो और अपने रूम पे चली गई। और उस दिन के बाद से दादी ने बात करना काफी कम कर दिया था। ऐसे ही समय बीतता है और अब खुशवंत सिंह आता है यूनिवर्सिटी लाइफ पे, जहाँ अब खुशवंत सिंह को मिलता है एक नया कमरा। नया कमरा तो अब क्या होने वाला है समझ ही जाओ। बट जो भी हो, ये नया कमरा मिलने के कारण अब वो जो दोस्ती था ना दादी और पोती के बीच, वो एकदम सा खत्म होने वाला था। अपना कमरा मिलने के कारण अब दादी और पोती का इंटरेक्शन एकदम सा खत्म हो चुका था। भले ही अब पोता रूम पे कुछ भी करे, अब दादी को थोड़ी देखना होता है अब, समझ रहे हो तुम। यार मैं कितना डर्टी माइंडेड हूँ, खैर रहने दो, स्टोरी पे आगे बढ़ते। दादी ने ये अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है, अब मुझे पोते के साथ थोड़ा भी समय बिताने का समय नहीं मिलेगा। अब दादी ने और भी किसी से बात करना छोड़ दिया था। अब वो ज्यादातर समय अपना बिताता था सिलाई मशीन के ऊपर और प्रेयर करते रहता था, यही उनका अब सुबह से शाम का रूटीन बन चुका था। अब वो रेयरली घर पे किसी से बातें करती थी, उनका दिन भर का काम होता था सुबह से शाम तक बस सिलाई करते रहना और भगवान का गुणगान यानी कि प्रेयर करते रहना, ऐसा कुछ। अब पूरे दिन के अंदर में जो उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था ना, वो होता था शाम के समय यानी कि आफ्टरनून के टाइम, जब वो चिड़ियों को दाना दे रही होती थी तोड़ तोड़ के। लगभग 100 ऑफ स्पैरोस उनके आसपास आके बैठ जाते थे, कोई पैर के सामने आके बैठ गया, कोई कंधे के सामने आके बैठ गया, कोई तो सर के सामने भी आके बैठ गया, और वो सारी चीजों से दादी बहुत खुश थी। यही वो समय था जब दादी पूरे दिन के अंदर में काफी ज्यादा खुश दिखती थी। ये तो एकदम सही बात है यार, हम सबका लाइफ ना फक्ड अप होके बैठा हुआ है, ठीक है ये बात तुम भी मानते हो। और पूरे दिन के अंदर में एक ऐसा चीज होता है जो हमें करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलता हो, वो पूरा दिन का गम भूल जाते हैं और यू नो लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा मोमेंट नहीं है तो बनाओ यार, और अगर है तो कमेंट्स खुला है तुम लोगों के लिए, बताओ कौन सा ऐसा मोमेंट है जब तुम बहुत ज्यादा खुशी हैप्पी फील करते हो। स्टोरी पे आता है, हाँ समय बीत रहा था जहाँ दादी अब बस वही चीजें करती थी, दिन भर प्रेयर करना और सिलाई मशीन के सामने बैठा रहना।
यही उनका काम था और पोता अपना बिजी था यूनिवर्सिटी लाइफ को लेके, पढ़ाई को लेके। ऐसे समय बीत रहा था और एक समय आता है अब ऐसा जहां अब खुशवंत सिंह डिसाइड करता है कि वो आगे का जो पढ़ाई है ना वो करने के लिए विदेश जाएगा, ठीक है, जिसके लिए लगभग 5 साल उसे बाहर रहना पड़ेगा ये पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। अब इस बात से खुशवंत सिंह को ये लग रहा था कि दादी बहुत ज्यादा अपसेट होगी, दुखी होगी, क्योंकि 5 साल मामूली नहीं होता, राइट, दूर रहना अपने पोते से। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट खुशवंत सिंह की दादी तो उन्हें छोड़ने तक आती है रेलवे स्टेशन। हाँ, बट उनकी दादी अपना इमोशन बिल्कुल नहीं दिखा रही होती है, शांत होती है, वही हमेशा की तरह माला जप रही होती है, कुछ बात नहीं कर रही होती है, बस एक चुपचाप से आके खुशवंत सिंह के सर पे किस करती है और अलविदा कर देती है। और मन ही मन खुशवंत सिंह को ये लग रहा था कि शायद दादी और मेरा ये आखिरी फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, क्योंकि दादी अब बुरी हो चुकी है, उम्र हो चुका है, तो शायद और 5 साल बाद जब मैं वापस आऊँ तो दादी ना रहे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 5 साल बीतता है, खुशवंत सिंह वापस आता है और रेलवे स्टेशन पे गेस व्हाट, उनकी दादी उनके लिए तैयार रहती है कि मेरा पोता आ गया तो मैं अब उन्हें लेके आता हूँ घर। दादी बिल्कुल नहीं बदली थी, वही पहले की तरह खरूस, किसी से बात नहीं करना, हाथों पे माला जपना, प्रेयर करना, और हमेशा की तरह ही उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था वो होता था शाम का समय जब वो चिड़ियों को दाना दे रही होती थी, खिला रही होती थी। बट हाँ, चेंजेस आना शुरू होता है इवनिंग के बाद से। वो औरत जो कई सालों से प्रेयर पे बिजी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, उसने अचानक से अपना प्रेयर करना बंद कर दिया। और सबसे अजीब बात तो ये था कि अब दादी ने आस पड़ोस के कुछ औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना सा ढोल मैनेज किया और ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। कई घंटे तक दादी ने ऐसे ही ढोल बजाया। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी ढोल बजाते हुए कि लाइक कोई योद्धा जंग से लौटा है, बस समझ रहे हो। इनडायरेक्टली वो अपने पोते को जो घर आई है ना उस बात से बहुत खुश था वो, तो बस यही सेलिब्रेट करने के लिए वो ढोल बजा रही थी और अपने पोते को लेके प्राउड फील कर रही थी, आई गेस। अब ये चीज देख के घर वाले और हमारे खुशवंत सिंह भी दादी को रोक रही थी कि ऐसा मत कीजिए दादी, इतना ढोल ढोल बजाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चाचा चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। बट दादी ये मानने को तैयार ही नहीं थी, वो तो बजाए जा रही थी, और जिसका नतीजा ये होता है कि अगले सुबह दादी बीमार पड़ जाती है। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि हल्का फुल्का बुखार है, ठीक हो जाएगा बहुत ही जल्द, बट दादी का मानना कुछ और ही था। पता है ऐसा कहते हैं लोग कि जब तुम भगवान के काफी करीब होते हो और तुम अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, ज्यादातर ऐसा तब होता है जब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुमने दुनिया देख लिया, अब तुम्हारे पास और कुछ है नहीं देखने को, बस अब तुम्हें शांति की जरूरत है, और वो प्योर फॉर्म ऑफ शांति पीस होता है डेथ, तो तुम बस अब गले लगा लेना चाहते हो डेथ को। ऐसे मोमेंट में ना लोगों को पता होता है कि उसका सही समय कब है, कब जाना है, और इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर का कहना तो था कि मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, बट दादी का कहना था कि मेरा आखिरी समय आ चुका है, अपने लाइफ का जो आखिरी का चैप्टर, इसका कुछ बस घंटे ही बाकी थे, और अब वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था प्रेयर करते हुए या अपने पोते, अपने बेटे, अपने बहू से बातें करते हुए, अब बस वो शांति चाहता था, अकेला रहना चाहता था। अब दादी के ऐसे बातों से घर के लोग बिल्कुल परेशान थे और विरोध कर रहे थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट दादी को तो किसी की सुननी नहीं थी, वो बस मुंह पलटा के सो गई। और थोड़ी देर में सबको ऐसा महसूस हुआ कि शायद दादी ने सांस लेना बंद कर दिया है, उनके हाथों में जो माला था वो भी गिर चुका था। इट्स लाइक उन्होंने दुनिया छोड़ दिया है, उन्होंने डेथ को गले लगा लिया है, उन्होंने ट्रू पीस को अचीव कर लिया है। उनका मुंह शांत हो चुका था, उनका हाथ शांत हो चुका था, उनका पूरा बॉडी शांत हो चुका था, क्योंकि अब उन्होंने ट्रू फॉर्म ऑफ पीस को अचीव कर लिया था। तो अब क्या होना था, उनकी बॉडी को एज पर द ट्रेडिशन बिस्तर से नीचे लाया गया और एक लाल कपड़े से ढक दिया गया, और कुछ समय रोना धोना जो भी चलता है मरने के बाद लोगों का चला। अब क्या था, जो भी अरेंजमेंट करना होता है फ्यूनरल के लिए वो सब करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ ही देर में एक स्ट्रेचर लेके आया गया जहाँ पे अब उन्हें लेके जाया जाएगा और जला दिया जाएगा। शाम का समय था, हल्का हल्का रोशनी गोल्डन कलर का साइन करता हुआ बरांडा घर तक हर जगह पहुंच रहा था, और इसी बीच आता है कई सारे स्पैरोस, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस बरांडा पे, फ्लोर पे, हर जगह। ऐसा महसूस हो रहा था कि इन स्पैरोस को भी पता चल चुका है कि वो औरत जो उन्हें खिलाया करती थी एज ए मदर फिगर, अब वो नहीं रही। और नॉर्मली जैसे चिड़िया चिरचिराते रहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो लोग शांत शोक मना रहे थे जैसा उनका फैमिली का कोई एक पार्टी गुजर गया हो। देख रहे हो, इंसानों की तरह ही एनिमल्स बर्ड्स पे भी कितना फीलिंग्स होता है। आई थिंक उनके अंदर कुछ ज्यादा ही होता है हमसे, क्योंकि आज के लोग तो फीलिंग्स समझते क्या है। हाँ, आई गेस। तो चिड़ियों का ऐसा बिहेवियर देख के घर के सारे लोगों को बुरा लग रहा था, तो खुशवंत सिंह के मम्मी ने थोड़ा ब्रेड के टुकड़े काट काट के दे दिए बरांडा पे कि चिड़िया शायद खा के चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब तक अर्थी को वहां से लेके नहीं जा रहे होते,
वो चिड़िया इंतजार कर रहा होता है, पीछे पीछे चल रहा होता है, ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं कि उनका कोई अपना जा रहा है और वो बस शोक मना रहे, शांत है, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, बस शांति, समझ रहे हो बात। सुबह होता है और वो ब्रेड के टुकड़े जो चिड़ियों के लिए रखा गया था वो जैसा था वैसा ही रहता है। सुबह सुबह स्वीपर आता है और उन ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन पे डाल देता है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग था ये कहानी, राइट, लास्ट में थोड़ा इमोशनल भी था। अलग अलग चीजों को देखा हमने, अलग अलग लाइफ का प्रोस्पेक्टिव को देखा। अगर स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, खुशवंत सिंह अपने दादा और दादी के बारे में बताता है, एंड देन दादी के साथ गांव पे कैसा समय बीतता है वो देखते हैं, कैसे स्कूल जाता है, कैसे वापस आता है, एंड देन क्या होता है, कैसे गांव से शहर में शिफ्ट होना होता है और इस शिफ्ट होने की वजह से कुछ चीज़ें चेंज होता है, लाइक जो पहले दादी हमेशा स्कूल जाती थी उसके साथ अब नहीं जाती है, पढ़ाने में कुछ डिफरेंसेस होता है, पहले रिलीजियस चीज़ों को पढ़ाया जाता था जबकि अब साइंस एंड ऑल थिंग्स को पढ़ाया जाता है। फिर आता है एक दूसरा मोड़ जहाँ खुशवंत सिंह आता है यूनिवर्सिटी पे, अलग रूम मिलता है दादी के साथ और कट जाता है रिश्ता। फिर जाता है खुशवंत सिंह विदेश 5 सालों के लिए और ऐसा लगता है कि और शायद ही मिलना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, दादी उसका इंतजार कर रही होती है। आता है और देखो इंतजार ही था, वो आने के दूसरे ही दिन मर गया था दादी, तो बस पोते के उम्मीद में जिंदा था। जैसे ही पोता आ गया खुश, अब और कुछ नहीं चाहिए, देख लिया पोते को, अब ट्रू फॉर्म ऑफ पीस को अचीव करना है, यानी कि डेथ को अचीव करना था। हाँ, तो स्टोरी तो मैंने एनिमेटेड तरीके से तुम्हें समझा दिया है, बट एग्जाम में या क्वेश्चंस का आंसर लिखने टाइम को कुछ ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें जानना चाहिए ताकि तुम उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आंसर को लिख पाओ। पहला है रिंकल्स, ये तो क्यों ही डाला था मैंने, गाल में जो झुर्रिया होता है उन्हें कहते हैं। दूसरा है रिवोल्टिंग, विरोध करना यानी कि कुछ चीज को नहीं मानना, दैट्स कॉल्ड रिवोल्टिंग। कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन, बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं हमें, दैट्स कॉल्ड कंटेंटमेंट। डिस्ट्रेस यानी कि भाई दुख दर्द पीरा, भाई सब समझ रहे हो, अनहैप्पी फीलिंग ऑफ पेन, इसे कहते हैं। नेक्स्ट सिक्लूजन, आइसोलेशन कह सकते हो, जब यार की सिंपली कहूँ तो अकेलापन को ना तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट्स कॉल, ठीक है। अगला परसुएट, किसी को मनाना, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है वो, कन्विंस करना, राइट। ओमिट यानी कि हटा देना, एलिमिनेट कर देना अपने जिंदगी से अपने एक्स को, और क्या। क्रिमेट यानी कि डेड बॉडीज को जलाना, एंड आखिरी कॉर्प्स, डेड बॉडी। तो इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म, उम्मीद है तुम लोगों को कुछ समझ आया होगा, अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें करना होगा तो। हाँ, आईडी नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन पे। इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू, लव यू ऑल।